हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल P4K गेमिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में OB23 में आने वाले सभी अपडेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी दूंगा और सभी के सभी सही रहेगा, एक भी फेक नहीं है, सभी ऑफिशियल जानकारियां हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट है यहाँ पर क्लेश स्क्वाड रैंक को लेकर के। इसमें सीज़न 2 आने वाला है जो कि कल की डेट में मतलब 30 तारीख को शाम को 5 बजे आने वाला है। और इसमें एक खुशखबरी यह है कि इसमें आप गोल्ड 3 से ज़्यादा रैंक करते हैं तो आपको G18 का गोल्डन वाला जो स्किन है वो फ्री में आपको मिलने वाला है। और इसमें एक नया अपडेट यह है कि इसका जो जानकारी रहता है, जैसे कि रैंक जो मेन होता है उसका जानकारी हम लोग के प्रोफाइल में दिख जाता है, वैसे ही अब क्लेश स्क्वाड रैंक का जानकारी हम लोग के प्रोफाइल में दिखने लगेगा। और इसके बाद दूसरा जो अपडेट आने वाला है वो क्लेश स्क्वाड के क्लासिक बस में रहेगा। अभी इसमें जो हम लोग रिवाइव नहीं दे पाते हैं अपने दोस्तों को, जैसे लड़ाई चलते रहते हैं तो रिवाइव देने का मौका नहीं मिलता है, तो इसमें हॉरिज लाइन नाम से कुछ रिवाइविंग किट लेकर के आने वाले हैं जिसके तहत हम लोग खुद को अपने से रिवाइव कर सकते हैं। ये कुछ महंगा हो सकता है बोला गया है, और इसके तहत हम लोग अगर रिवाइव होते हैं तो फिर हम लोग को फुल HP के साथ रिवाइव मिलेगा। तो देखते हैं ये कैसा होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी अब ये आएगा जब मैच में तभी हम लोग देख पाएंगे और धीरे से इसको रैंक में ले आएंगे आगे चल के। अब अगला कुछ अपडेट गेम प्ले से रिलेटेड है। तो इसमें एक न्यू आइसलैंड आने वाला है जो द रनवे नाम से रहेगा। तो ये कैसा रहता है और इसको कैसे लगता है हम लोग को खेलने में, तो ये हो सकता है एक नया गेम प्ले गेम रहे जिसमें नया मैप रहे, या फिर जैसे कि बिग हेड मोड आया है वैसे ही कुछ नया मोड रहे, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आने के बाद ही समझ में आएगा, तो देखते हैं ये कैसे रहता है। और यहाँ पर जो व्हीकल्स होते हैं उनमें स्पीड का बहुत ज़्यादा अपडेट है, जिसमें से मोटर बाइक की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर रहता था उसको 130 कर दिया गया है। और उसके बाद जीप का जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर रहता था उसको 110 कर दिया गया है। और उसके बाद जो तूतू करके रहता है वो 90 किलोमीटर पर आवर चलता था वो 100 कर दिया गया है। और उसके बाद जो SUV है वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था उसका कम कर दिया गया है, उसमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अब चलने लगेगा। जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 तक ही जा पाएगा। तो ऐसे करके व्हीकल में अपडेट है। और इसमें व्हीकल से रिलेटेड एक और भी अपडेट है, जिसमें हम लोग व्हीकल को जब ज़्यादा स्पीड से भगाते थे तो उसमें मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, कहीं भी हम लोग फंस जाते थे ऐसे करके। तो उसमें अब ये किया गया है कि जब व्हीकल ज़्यादा ही स्पीड में भगने लगेगा, जब मैक्सिमम स्पीड में रहेगा तो कैमरा थोड़ा सा जूम रहेगा, मतलब थोड़ा दूर की चीज़ें भी हम लोग को पहले से दिखाई देगा, जिससे व्हीकल चलाने में थोड़ा स्मूथ हम लोग को गेम प्ले देखने के लिए मिलेगा। और एक बात फ्री फायर की मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये गेम प्ले सभी के गेम को अच्छे से मॉनिटर करके रखे रहते हैं। वो हैकर्स की बात अलग है, उसके बारे में क्या कहना है वो तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन गेम प्ले को बहुत सुधारते रहते हैं। जैसे कि अभी ग्लाइडर लेकर के आए थे तो उसका यूज कर रहे थे इन लोग कैंपिंग करने में, मतलब कि ज़्यादा ऊपर में जा करके किसी ऐसे जगह पर पहुँच जाते जहाँ पर जा नहीं सकते और वहाँ पर कैंपिंग करते थे, वहाँ से मारते थे लोगों को। तो अब इन लोग ग्लाइडर को सुधार रहे हैं, जब ये 38 मीटर से ज़्यादा हाइट से कोई जंप करना चाहेगा ग्लाइडर के थ्रू, तो ग्लाइडर को बनाया गया था हम लोग सुरक्षित तरीके से नीचे उतर सकें, ना कि कहीं और उड़ करके जा सके, इसलिए नहीं बनाया गया था। तो जब 38 मीटर से ज़्यादा हाइट से हम लोग कूदेंगे तो ये बहुत ही तेज़ी से हम लोग को नीचे फिर से फेंक देगा, मतलब डैमेज नहीं होगा लेकिन उड़ करके कहीं नहीं जा सकते हम लोग, बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएंगे तो उड़ करके कहीं जाने में ये काम नहीं आएगा अब से। तो ऐसे ही एक अच्छा अपडेट यह भी लेकर के आ रहे हैं कि जो कैंपर्स होते हैं जो जोन के बाहर कैंपिंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। उन लोग सभी मेडिकिट को यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मशरूम मतलब कि जो EP होते हैं उसको यूज कर लेते हैं, आलोक यूज कर लेते हैं, बोनफायर, ये सभी को एक साथ यूज करके बहुत समय तक जोन के बाहर कैंपिंग कर पाते थे। तो उसको रोकने के लिए अब फ्री फायर ये करने वाले हैं अपडेट में कि हम लोग जो HP है वो 1 सेकंड में 50 HP से ज़्यादा भर नहीं पाएंगे, कैसे भी भरें, कैसे भी, चाहे जैसे भी मेडिकिट लगाएं या फिर बोनफायर लगाएं, आलोक लगाएं, सभी ऑन भी कर लेंगे फिर भी पर सेकंड 50 HP से ज़्यादा हम लोग नहीं भर पाएंगे। तो डैमेज जब ज़्यादा देते रहेगा जोन तब हम लोग उसमें नहीं रुक पाएंगे, तो इसको 50 HP पर सेकंड कर दिया गया है। अब आगे का जो अपडेट है वो वेपन से रिलेटेड है, जो वेपन में चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला एक नया वेपन आने वाला है AUG नाम से, जो कि एक AR वेपन रहेगा जिसमें 2x स्कोप पहले से इनबिल्ट रहेगा, पहले से ही उसमें स्कोप लगा रहेगा।
और उसमें 35 मैगजीन का सपोर्ट हम लोग को मिलेगा, 35 मैगजीन उसमें लगा सकते हैं और इसका एवरेज डैमेज जो रहेगा 31 का डैमेज रहेगा एवरेज जो है। उसके बाद वेपन में अपडेट है AK से रिलेटेड, जिसमें उसका एवरेज डैमेज जो जाता था 37 का, वो एक बढ़ा करके 38 कर दिया गया है, और उसमें मिनिमम डैमेज जो जाता था 12 का, उसको 2 बढ़ा दिया गया है, मिनिमम डैमेज अब 14 का ही देगा वो। और उसके बाद उसका रेट ऑफ फायर को -3% कर दिया गया है, और जो प्री साइज में जो शॉट लगता था जैसे 1 लगता था, उसको 2 कर दिया गया है। फार्मस गन एक अच्छा गन होने के बाद भी उसको ज़्यादा लोग यूज नहीं कर रहे थे, इसको देखते हुए जब उसको यूज करेंगे तो उसमें मूवमेंट स्पीड हम लोग को 10% बढ़ा हुआ मिलेगा। हम लोग जब उसको यूज करते रहेंगे, जब फायरिंग करते रहेंगे, तब हम लोग का मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ जाएगा। तो देखते हैं ये कैसा काम करता है और कितना अच्छा हम लोग को लगता है। और आगे स्पार्श 12 जो गन था उसको भी ज़्यादा लोग यूज नहीं करते थे, तो उसमें मिनिमम डैमेज जो 6-6-6 का देता था उसको 7-7 कर दिया गया है। मतलब पर एमओ, जो उसमें बहुत सारे एमओ निकलते हैं ना एक बार में, तो उसमें 6-6 का डैमेज देता रहा होगा, वो 7-7 का देगा आपसे। वैसे ही थोड़ा सा चेंजेस एक्सेमेट गन में भी किया गया है, जिसमें प्री साइज शॉट 4 लगता था, वो अब 3 ही लगेगा। वैसे ही कुछ अपडेट गेम मोड से रिलेटेड भी आने वाला है, जैसे कि टीम डिटेचमेंट मतलब TDM जो मैच रहता था उसमें 4 ही गन रहता था ऑप्शन में, उसके बाद और गन नहीं ले सकते थे, तो उसमें नया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप नया गन भी परचेस कर पाएंगे और दूसरा गन ले सकते हैं। अब आगे का जो जानकारी है पेट से रिलेटेड है और नया करेक्टर से रिलेटेड है, तो इसमें लिक्वेटा नाम से एक नया करेक्टर आने वाला है, जिसमें पर किल के साथ हम लोग को HP को 35 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर एक नया पेट आने वाला है जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मैं इसको ज़रूर रखूँगा अपने पास, जिसका नाम वागोर नाम से रहेगा, ऐसे ही कुछ नाम है। तो उसका काम यह रहेगा दोस्तों, जैसे आपके पास 1 या 2 ग्लू वाल से कम ग्लू वाल है आपके पास, या फिर बिल्कुल नहीं है, 0 ग्लू वाल है, तो हर 100 से 120 सेकंड में आपको 1 ग्लू वाल दे देगा। मतलब अब गेम में हमेशा हम लोग के पास ग्लू वाल रहने वाला है, और नहीं भी रहेगा तो ये पेट हम लोग को 1 ग्लू वाल दे दिया करेगा। और यहाँ पर एक और नया करेक्टर बोला जा सकता है, ये हयातो का ही फायर ब्रांड नाम से एक नया करेक्टर आएगा, जिसमें फंक्शन यह रहेगा कि हम लोग किसी से डैमेज खाते हैं तो उसको 20 से 40% तक डैमेज को कम कर देता है अगले जो 3 सेकंड रहेगा उसमें। जैसे कि आपको डैमेज पड़ा हो, उसके 3 सेकंड बाद तक जितना भी आपको डैमेज पड़ेगा उसका डैमेज आपको रहेगा 20 से 40% तक कम पड़ेगा। और इसको कूल डाउन होने में, जैसे 3 सेकंड ख़त्म हो गया तो कूल डाउन होने में इसको समय लगता है, वो है 50 सेकंड का समय लगेगा आपको। और इसके पास कुछ अपडेट गिल्ड से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे अपडेट लगे हैं। कुछ गिल्ड ऐसे होते हैं जो गिल्ड बना देते हैं, उसके बाद बहुत सारे उसमें मेंबर जुड़ भी जाते हैं और उसका लीडर ही गायब हो जाता है, तो इसको सुधारने के लिए ये किया गया है कि जैसे कोई लीडर गिल्ड बना दिया है और उसके बाद वो खुद ही ऑफलाइन चला गया, तो 30 दिन से ज़्यादा जब ऑफलाइन हो जाएगा तो जितने ही उस गिल्ड में मेंबर रहेंगे उन सभी को एक एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपको नया गिल्ड लीडर किसको बनाना है, तो उन लोग सभी को वोट करेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उसको नया गिल्ड लीडर बना दिया जाएगा और उसको सभी पावर मिलेगा गिल्ड लीडर का। लेकिन जब ओरिजिनल गिल्ड लीडर जब भी अपने गेम में वापस आता है तो उसको फिर से उसका पावर मिल जाएगा, लेकिन जब तक ऑफलाइन रहता है ओरिजिनल वाला तब तक जो बनाए रहेंगे उसको हम लोग को पूरा पावर मिल जाएगा। और जो नया गिल्ड लीडर बने रहते हैं वो भी अगर 7 दिन से ज़्यादा ऑफलाइन हो जाता है तो उसका भी पावर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल गिल्ड लीडर रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसका पावर चला जाएगा जब वो 30 दिन से ज़्यादा ऑफलाइन रहता है। भले ही वो वापस आएगा तब उसका पावर फिर से वापस आ जाएगा, वो बात अलग है। और कुछ कुछ और भी अलग से अपडेट लाया गया है, जैसे कि हम लोग के HUD होता है उसमें कुछ कुछ बदलाव किया गया है। कालाहारी मैप को अब कस्टम गेम में भी हम लोग यूज कर पाएंगे, उसमें भी कालाहारी मैप जोड़ दिया गया है। और जो थर्मल स्कोप होता था, तो हम लोग स्मोक ग्रेनाइड जब मारते हैं तो उसमें थर्मल स्कोप का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो सब भी आ गया है इसमें। अब हम अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए एक सिस्टम जनरेटेड लिंक भी शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों जितना भी अपडेट बताया सभी के सभी रियल है, और अपडेट्स आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल P4K Gaming को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।